उधम सिंह नगर की खटीमा में मानव वन जीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा, जहां जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिला है। इस दौरान ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बीती रात घर के बाहर सो रहे 3 लोगों पर जंगली जानवर ने हमला कर घायल कर दिया। आनन फानन में 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान डॉक्टर के अनुसार बिमलेश राणा की हालत को गंभीर देखते हुए हाई सेंटर रेफर किया जा गया। बाकी अन्य 2 की हालत नॉर्मल बताए जा रहे हैं। घटना बीती रात खटीमा क्षेत्र के खोसी कुआं बुढ़ाई के एक घर शादी में आए हुए कुछ मेहमान घर के बाहर सो रहे थे। इस दौरान रात को किसी जंगली जानवर ने उन पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें 2 लोगों को नॉर्मल चोटें आई। वहीं खोसी कुआं निवासी बिमलेश को जंगली जानवर द्वारा गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, जिनको खटीमा के नागरिक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहीं डॉक्टर मनी अरोड़ा ने कहा कि बिमलेश की हालत गंभीर बताई, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं परिजनों ने बताया कि वन विभाग की टीम घायलों को अस्पताल में देखने आए थे और कुछ आर्थिक मदद का भरोसा दिया। गौरतलब है कि 10 दिन के भीतर खटीमा क्षेत्र में जंगली जानवरों के मानवों पर हमले की 3री घटना है, जो कि बहुत चिंता का विषय है। हमला था सर, और हम लोग घर के अंदर सो रहे थे, तो सोने के बाद अब वो गुलदार आया जंगली जानवर, और वो कर झपेटा मार के घायल करके भाग गया। हम लोग देखते रहे, वो मिला नहीं, बहुत ढूंढने की कोशिश किया और क्या है, सबको शिकायत की, वो भी आए थे देख के, सब लोग चले गए, वो लोग यहाँ भी आए थे हॉस्पिटल में, और बोले जो कार्रवाई होगी वो कर लेंगे और जो मुआवजा होगा वो दिला देंगे। मेरा नाम परवीन सिंह, ये मेरे बहनों ही है। ये 2-3 मरीज आए थे हमारे पास, इनमें से एक ही को ज़्यादा मेजर इंजरी है, उसको हमने फर्स्ट एड सब दे दिया है 3 मरीजों को। और जो पहला मरीज है जिसको ज़्यादा चोट है, उसको हम सुशीला चौधरी रेफर करेंगे एहतियात के तौर पर। वैसे स्टेबल है, ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है फिलहाल। वो कोई वाइल्ड एनिमल हो सकता है, क्योंकि जो सर चोटें हैं वो भी जंगली जानवर की ही हैं। अब ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम किस जानवर ने किया होगा, लेकिन मल्टीपल चोटें हैं और काफ़ी चोटें हैं, तो किसी जंगली जानवर का ही काम लग रहा है।